खबर कवर्धा से है। लोहारी डी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की हत्या हुई है, हत्या हुई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पेड़ पर लाश लटकाई गई थी और पुलिस गुमराह हो भी गई थी। अब उसके बाद पुलिस बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, पुलिस का पूरा रिकॉर्ड है। हम बिना IBC 24 वाले हैं, हम बिना रिकॉर्ड की एक बात नहीं करते। MP पुलिस ने 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। बालाघाट में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में मृतक रघुनाथ साहू के बेटे का भी नाम शामिल है। कवर्धा और बालाघाट पुलिस की कार्रवाई है। दोपहर 2 बजे बालाघाट पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की जानकारी मिली थी। और पता है अब छत्तीसगढ़ पुलिस क्या कह रही है? अपनी इज्जत बचा रही है और सोच रही जो हमने पहले कहा था वो तो रिकॉर्ड में होगा नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस को ये नहीं पता है कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। कवर्धा के लोहारी डी कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शिव प्रसाद साहू की हत्या करके फंदे पर लटकाया गया था शव। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा से बात की है हमारे संवाददाता ने। कवर्धा के लोहारीडी मामले में एक बार फिर से खुलासा हुआ है और पता चला है कि जो शिव प्रसाद साहू, पहले ये प्रथम दृष्टया पता चला था कि वो सुसाइड किया है, फिर अभी ये जानकारी आ रही है कि उन्हें मारकर फांसी पर लटकाया गया। और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी है। विजय शर्मा जी, आप ही के जिले का मामला है, अब ये बात सामने आ रही है कि उसे मारकर लटकाया गया है। नहीं, पहले भी ये बात नहीं थी कि उसने आत्महत्या किया है। वो मृत पाया गया लटक करके और दम घुटने से मृत्यु हुई, ये विषय था। अब ये दम घुटने से मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई षड्यंत्र इसके पीछे था या उसका स्वयं की उसकी प्रेरणा थी, ये स्पष्टीकरण होना बाकी था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी इस पर काम किया है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी सहयोग किया है और कुल मिला करके एक नई स्थिति उसमें सामने आ रही है। चाहे पहला घटना हो, चाहे दूसरी घटना हो, चाहे तीसरी घटना हो, हर एक विषय पर पूरी संजीदगी से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है और मैं सोचता हूँ कि सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। सर, इसमें रघुनाथ साहू के बेटे दिनेश साहू को भी, उनका भी नाम आ रहा है। किसी का भी हो भाई, मतलब ये है किसी का भी हो, चाहे वो रघुनाथ साहू की मृत्यु का हो विषय, चाहे वो शिवप्रसाद साहू कचरू साहू जी की मृत्यु का विषय हो, चाहे किसी का विषय हो, जो गुनाहगार है सो है भाई जी। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, एक लास्ट सवाल था, किसी के लिए ऐसा कानून को हाथ पे लेना किसी के लिए है या ऐसे हत्याओं को अंजाम देना, मैंने ये तो सब गलत है। तो आपने सुना, विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच हो रही है और उन्होंने कहा कि आगे और भी कार्रवाई होती रहेगी, जांच होगी। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।